जैसे ही सुना मुझसे रहा ही नहीं गया, फौरन से काशिफ को फोन करके बुलाया। अगर ये सब क्यों और कैसे हुआ, आपको इसका पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए बाबा। मैं अपने तौर पे इन्वेस्टिगेट तो कर रहा हूँ बेटा कि कमरे में आग कैसे लगी, किसने लगाई, जल्द पता चल जाएगा कि ये किसकी हरकत है। वैसे बाबा जान, ये जरूरी भी नहीं है कि कहीं पर भी जो आग लगे वो किसी ना किसी की साजिश ही हो। बाज़ुकात महज एक एक्सीडेंट भी हो सकता है। और मेरा ख्याल है कि हमें इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस हादसे में किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ। कैसी बात कर रहे हो तुम? ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसे आसानी से इग्नोर कर दिया जाए। हैरत है मुझे कि तुम्हें परवाह ही नहीं है। ऐसी बात नहीं, मुझे अपनी बिया की बहुत परवाह है। मैं बस सिर्फ इतना चाहता हूं कि हम इस चैप्टर को क्लोज कर दें ताकि इसका कोई भी बुरा असर मेरे और बिया के रिश्ते पर ना पड़े। आई थिंक अंकल दानियाल ठीक कह रहा है, हमें बुरे वक्त को बुरी याद की तरह ही बुला देना चाहिए। अब वैसे भी हम इस बात को जितना डिस्कस करेंगे, भाभी के लिए ये ट्रॉमा ओवरकम करना मुश्किल हो जाए। एग्जैक्टली, काशिफ ने मेरे दिल की बात की है। थैंक यू सो मच काशिफ। भैया की हालत आप लोगों के सामने है। इस हादसे के बाद सहम सी गई, ना सही से कुछ खा रही है, ना सो रही है, ना हंस रही है। मैं बस चाहता हूं कि भैया जल्द से जल्द इस वाक्य को भूल जाए बस।